अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कल वीडियो में बताया था कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए बहुत सी साइट्स लेके आएंगे और आप कैसे अपने स्किल्स यूज़ करके, आपके पास जो भी स्किल है वो यूज़ करके आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे फ्रीलांसिंग अर्न कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो पहली साइट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है फाइवर। फाइवर एक ऐसी साइट है जिसमें आपको कोई भी स्किल है, जैसा भी आपके पास स्किल है, वो आप उस स्किल को यूज़ करके तो आप अपना अर्न कर सकते हैं। तो आज हम फाइवर का ओवरव्यू देख लेते हैं, सारा चीज़ें क्या 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 स्किल्स हैं, क्या क्या यूज़ आप स्किल कर कर सकते, अपने स्किल्स यूज़ करके तो आप ऑर्डर ले सकते हैं। आज वो हम ओवरव्यू देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम उसको लॉगिन कैसे करना है वो भी लेके आएंगे आपके पास। उसके अलावा कैसे गिग्स ऐड करनी है, क्या क्या गिग्स में लिखना है, कैसे आपने पिक्चर ऐड करनी है, कैसे कैसे आप उस प्रॉपर अपने पोर्टफोलियो को रेडी करके तो आप लोगों से ऑर्डर ले सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चलेंगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है और तो चलें आप चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको मैं आप उस पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम फाइवर क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है। चलें चलते हैं। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं फाइवर पे। फाइवर एक फ्रीलांसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसर एक साइट है जिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स के मुताबिक वर्किंग कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं तो थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, मजीद इंशाल्लाह इसके बारे में हम लेके आएंगे। कैसे लॉग इन करते हैं, गिग्स कैसे डालते हैं, कैसे लोगों से ऑर्डर लेते हैं। तो जिस तरह इसमें देख ले आप आ जाते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग से मुराद है जिस तरह आप किसी भी बिजनेस के किसी भी एडवर्टाइजमेंट को करवाना चाहते हैं तो उसके को लोगो बना दें, उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं फ्लायर डिजाइन है या ब्रोचर है, पोस्टर है, किसी का कैटलॉग है, किसी की यानी कि ब्रांड का कैटलॉग है, तो वो आप कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। मेन्यू डिजाइन है, इन्विटेशन डिजाइन है, कुछ भी यानी आप जो भी चीजें हैं ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनिंग के मुतालिक वो आप इस पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, साइट्स वगैरह पे कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है वो आ जाती है। और उसके अलावा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी कि कोई भी आपसे अगर आप अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट राइट करवाना चाहता है या कोई भी चीज़ अपनी कोई थीसिस राइट करवाना चाहता है या कोई भी चीज़ आपसे कोई राइटिंग में लेना चाहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मैं मेरे उस पर पास टाइम नहीं है, वो आपको ऑर्डर देगा कि मेरे मुझे ये राइटिंग चाहिए। उसके अलावा ट्रांसलेशन है या किसी का भी आपको को आपको ट्रांसलेशन लेना चाह रहा है आपसे कि आप मुझे ये ट्रांसलेट कर दें उसके पास इंग्लिश में, आप उसको उर्दू में या किसी में भी आपकी कोई भी जुबान में ट्रांसलेशन अगर आपकी स्किल है तो आप उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। वीडियो एनिमेशन है, इसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह या कोई आपसे करवाना चाहता है एनिमेशन एनिमेशन बनवाना चाहता है तो वो आपसे कर सकता है। इसी तरह ये म्यूजिक एंड ऑडियो है तो इसके मुतालिक भी ऐसे ही है कि वो आपसे अगर कोई म्यूजिक लेना चाहता है या ऑडियो या आपसे कोई भी ट्यून बनवाना चाहता है तो आपके कर सकता है। इसी तरह ये प्रोग्रामिंग एंड टेक है तो इसके मुतालिक भी यही है, प्रोग्रामिंग एंड उसके अंदर भी आपके साइट्स की प्रोग्रामिंग है, ऐप की कोई प्रोग्रामिंग है, कोई भी चीज़ है जिस तरह इंजीनियरिंग में यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है, आपके पास प्रोग्रामिंग करते हैं सिंगल आईसी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सारी चीजें भी हैं इसके अंदर, आप प्रोग्राम करके दे सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस में आ जाएं तो आपके पास बिजनेस किसी को आपसे प्लान लेना चाहता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को सेट करूं, कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट करूं, ये जो भी चीज़ें वो सारी आपसे लेना चाहता है तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा घर बैठे खासतौर पर जिस तरह भी तो हमारी लेडीज घर बैठी हैं या वो वर्किंग करना चाहती हैं तो उसके लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपनी आप ये एक डाल के दे सकते हैं कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। उसके अलावा गेमिंग है आपके पास, आप कोई भी चीज़ आप पढ़ा सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा आप इसके अंदर कोर्सेज मुख्तलिफ करवा सकते हैं, जिस तरह आप इसके अंदर लोगों को रेसिपी अपनी दे सकते हैं, वो आपसे रेसिपी लेना चाहते हैं वो रेसिपी है, कुकिंग लेसन है, बहुत सी चीज़ें उसके अलावा आपके पास और भी आ जाती हैं। तो ये हमारा दोस्तों ये जो है एक इंटरफेस है सारा क्या उसे कहते हैं फाइबर का, तो इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे और बताएंगे आपको नेक्स्ट भी किस तरह आप इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके पास उसके अलावा गिग्स कैसे ऐड कर सकते हैं, आप ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, अपना एक इंटरफेस कैसे बना के तो उसको आप आगे लोगों से क्या उसे कहते हैं ले सकते हैं
ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज आपने ओवरव्यू देख ली है, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, तो आपके कोई भी स्टेप आपका कोई मिस ना हो। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।